तो ये एक न्यू मेथड ऑफ वॉरफेयर है। पहली बात तो ये कि किस तरीके से मिलाइन किया जाए, चाहे एफएटीएफ की बात हो तो हमें सुनने को मिलता है जनाब की उनकी सीनियर डिसीजन मेकर्स की तरफ से कि हमने पाकिस्तान के ऊपर उनको ग्रे लिस्ट में रखने के लिए पूरी कोशिश की है। दूसरा आपके साथ एक वो टर्की था, उसका तो उसकी तो हालत एकदम फ्लैट हो चुका, उसने पिछले 6 महीने से कहीं पे वो कश्मीर का नाम नहीं लिया। जहां तक बात यह है कि इंडिया ने ग्रे लिस्ट में रखने की कोशिश की, इंडिया ने ग्रे लिस्ट में रखने की पाकिस्तान को कोशिश की, आप अपनी अपनी मेहरबानी से अपनी मेहनत से पहुंचे थे, हमने तो उसमें कोई मेहनत नहीं की। दूसरे कंट्रीज बोल रहे हैं, फ्रांस बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, इंडिया तो खैर ऑफकोर्स बोलेगा, चलिए इंडिया तो है ही दुश्मन आपका, फ्रांस तो नहीं है, यूके तो नहीं है, यूएस नहीं है, ये सारे बोल रहे हैं, जर्मनी बोल रहे हैं वहां, ये पॉलिसी किसकी थी? और आज की 1980s की पॉलिसी ब्लीड इंडिया विद 1000 wounds, ये सारे कंट्रीज में एक कंट्री ने रिएक्ट नहीं किया फ्रांस के इंसिडेंट पे, आप ही तो हैं जो इस्लाम की तस्बीह लिए घूम रहे हैं, है ना, आप ही ने रजिस्ट्री कराई थी मक्का मदीना की और किसी ने नहीं कराई, अपने कंट्री के ही लोग ना, मतलब अजमल का साहब अपने कंट्री के ही लोग 1-1 लाख दे करके भेज देते हो, अभी 50,000 दे करके भेजा था एक को, तो अरेस्ट ही हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मीडिया में रोहित जी ने बताया किस तरीके से पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से ही एफएटीएफ के अंदर है, हम पे इल्ज़ाम देना बंद करो, खाली भारत की वजह से नहीं, वहाँ फ्रांस, जर्मनी, यूके, ब्रिटेन, अमेरिका सब हैं, तो उनकी क्या तुमसे कोई दुश्मनी है? भारत को तो चलो तुम अपना दुश्मन मानते हो, मगर खुद तुम लोग अपने अंदर भी तो झांक के देखो क्या गलती है तुम्हारी। और अफगानिस्तान से हमारे रिश्ते 5,000 साल पुराने हैं, हमें ये मत बताओ कि हमारा कोई लिंक नहीं है अफगानिस्तान से, और तुम्हारे यहाँ से हमारे यहाँ आतंकवादी आते हैं 50,000 रुपये लेके भारत में दहशतगर्दी करने के लिए। इन्हीं चीज़ों से पता चल जाता है कि तुम्हारे यहाँ किस तरीके का माहौल है। और अब तो तुम्हारा दोस्त टर्की भी बिल्कुल चुप हो चुका है जब से भारत ने उसकी गर्दन टाइट की है, अब तो कश्मीर का नाम भी ले रहा इतने महीने से, क्योंकि उसका देश ही खुद ही दिवालिया होने जा रहा है। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। हमने आज डिस्कस करना है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की, कि असल में है क्या और इंडिया के साथ क्यों हमारे रिलेशंस ठीक नहीं हो रहे। अभी भी जो एक रिसेंटली हमने देखा कि एक एम्बेसी का इशू उठा था जिसमें कहा गया कि जी पेमेंट्स नहीं हुई है और एक वेबसाइट से ये बात की गई, उसके ऊपर भी यही कहा गया कि ये इंडियंस ने हैक कर ली थी और उन्होंने लिख दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले, मतलब कुछ देर पहले इनफैक्ट, ये खबर भी आई है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमने जो उनकी सैलरीज थी वो ट्रांसफर कर दी है। तो हम लोग एकदम से एक दूसरे के ऊपर इस तरह की एलिगेशंस क्यों लगा देते हैं और टर्म्स को बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये एक न्यू मेथड ऑफ वॉरफेयर है, पहली बात तो ये कि किस तरीके से मिलाइन किया जाए, चाहे एफएटीएफ की बात हो तो हमें सुनने को मिलता है जनाब की उनकी सीनियर डिसीजन मेकर्स की तरफ से कि हमने पाकिस्तान के ऊपर उनको ग्रे लिस्ट में रखने के लिए पूरी कोशिश की है। या मिसाल के तौर पे अब आप रिसेंट आप देखो जो हालात डेवलप होते हैं मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर, कोई भी किस्म का हो, जहां पे इंडिया को वीकनेस मिलेगी, मिसाल के तौर पे ये स्टोरी थी सर्बिया वाली जो एम्बेसी का इशू था, ये सही है गलत है या क्या है ये तो जानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो उसको इंडिया ने पिक किया, कल मुझे उन्होंने कहा था लेकिन क्योंकि मैं बिजी था तो मैं अफेयर नहीं हो सका। जहां तक बात यह है कि इंडिया ने ग्रे लिस्ट में रखने की कोशिश की, इंडिया ने ग्रे लिस्ट में रखने की पाकिस्तान को कोशिश की, आप अपनी अपनी मेहरबानी से अपनी मेहनत से पहुंचे थे, हमने तो उसमें कोई मेहनत नहीं की। और उसके बाद सारे आपके आपकी तरफ के मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है, हमारी तरफ के जो मंत्री हैं उनसे बोलो कि वो एक स्टेटमेंट दे दें कि ब्लैक लिस्ट में डाल दो, चला जाए तो मुझे बता देना, मैं पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लूंगा। वहां 20 कंट्री बैठे हैं, वो हमारा मंत्री वो इलेक्शन के टाइम पे बोल रहा होगा और उसको आप कोट कर रहे हैं, उसी के कहने से, हमारे मंत्री के कहने से हो रहा हो तो तब तक ब्लैक लिस्ट में पहुंच लिया होता, हर आदमी चाह रहा है पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए, तो 2 साल हो लिए आज तक तो नहीं गया, तक 27 के 27 पूरे पैरामीटर्स नहीं हुए, और एफएटीएफ खुद बोल रहा है और दूसरे वो बोल रहे हैं, दूसरे कंट्रीज बोल रहे हैं, फ्रांस बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, इंडिया तो खैर ऑफकोर्स बोलेगा, चलिए इंडिया तो है ही दुश्मन आपका, फ्रांस तो नहीं है, यूके तो नहीं है, यूएस नहीं है, ये सारे बोल रहे हैं, जर्मनी बोल रहे हैं वहां पे एफएटीएफ में बैठ के। नाउ कमिंग टू योर फॉरेन पॉलिसी, आई मीन देयर वर टू थ्री मोर थिंग्स, आपने डिसइन्फो लैब की बात की, सिरेना होटल की बात की, अर्णब गोस्वामी की बात की, इमरान खान और आरिफ अलवी ने भी ट्वीट किए थे यार फेक वीडियोस, एक ने बताया था कि ये वीडियो जो है श्रीनगर का है, दूसरे ने बांग्लादेश का वीडियो ट्वीट कर दिया था, इंडिया का बताया था एट्रोसिटीज। तो डिसइन्फो लैब को ब्लेम करके 50 वेबसाइट, 100 यार 1000 होंगी, 2000 होंगी, एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर गलत ट्वीट करे तो वो सारी वेबसाइट नलिफाई नहीं हो जाती, प्राइम मिनिस्टर की गलती ज्यादा नहीं होती या प्रेसिडेंट की गलती ज्यादा नहीं होती। सो वी हैव बीन, हम लोग हम तो है ही ना,
हम तो हैं ही एस्टैब्लिश्ड अटेस्टेड गुंडे हैं, बट व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान, आपके तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस टेक इन फॉर ला रही हैं, तो हमें ब्लेम करने का। एंड देन डोवाल सेड, ये अभी आरजू जी ने पूछा, डोवाल सेड कि हम हर तरफ से ब्लेड करेंगे, ये ऐसा कोई स्टेटमेंट मेरी निगाहों में नहीं है, बट देन अगर आप बोल रहे हैं तो होगा, नो डाउट अबाउट इट, आप भी यू आर ऑल्सो रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट, तो आप गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं देंगे। अब जहां तक बात यह है कि ये पॉलिसी किसकी थी, और आज की 1980s की पॉलिसी, ब्लीड इंडिया विद 1000 वुंड्स, तो ऐसा आपको लग रहा है कि इंडिया ही अकेला कुरान और गीता और बाइबल तीनों पढ़ के आया जी ये वायलेंस नहीं करेगा, आप ही करेंगे या ये कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, there has to be a tit for tat reaction, और वो तो established theory है ना, और वो गुल साहब की थी, वो उनकी तो death हो गई, उसके बाद से ये theory continue कर रही है। we have a stand, we have a long standing stand कि हम लोग जब तक हमारी cross border terrorism नहीं खत्म होता तब तक बंद नहीं, तब तक हम talks नहीं करेंगे। अब relations में, international relations में आप एक चीज पहले decide कर लीजिए, आपको इस्लाम चाहिए तो आप इस्लाम के लिए, और अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन चाहिए तो आप वो कीजिए। पूरी वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज हैं, 56-57 बताते हैं आप मुस्लिम कंट्रीज, एटलीस्ट आईओसी में तो हैं इतने, ये सारे कंट्रीज में एक कंट्री ने रिएक्ट नहीं किया फ्रांस के इंसिडेंट पे, आप ही तो हैं जो इस्लाम की तस्बीह लिए घूम रहे हैं, है ना, आप ही ने रजिस्ट्री कराई थी मक्का मदीना की और किसी ने नहीं कराई। दूसरा आपके साथ एक वो टर्की था, उसका तो उसकी तो हालत एकदम फ्लैट हो चुका, उसने पिछले 6 महीने से कहीं पे वो कश्मीर का नाम नहीं लिया और ना वो फ्रांस का नाम लेता, उसकी तो इकोनॉमी आगे नीचे, लीरा भी 49% गिरा इस साल। तो आप तो खैर एक दूसरे आप हैं, एक वो है जिन दोनों ने वो हलफ उठाया था उसका इस्लाम के नाम का, तो आप दोनों की ये हालत है। फैसल साहब के बहुत सारे पॉइंट्स थे, पिछले वाले आंसर में से ही एक पॉइंट रह गया था कि अफगानिस्तान से कोई रिलेशंस नहीं है इंडिया के और वो इंडिया बेकार में उधर घुस रहा है। तो आपको ये बताता हूँ, 5000 साल पहले एक किताब लिखी गई थी महाभारत, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ाई हुई थी और कौरवों की जो माँ थी गांधारी वो कांधार की थी। 5000 साल पुराना रिश्ता है हमारा उनसे, महाराजा रंजीत सिंह को ले लें अगर 5000 साल पुराना ज्यादा पुराने लग रहा हो तो, और उसके बाद तब से हमारा उनसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चल रहा है कि नहीं, वहां पर गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई थी कि नहीं, गौतम बुद्ध रिलीजन उन्होंने अपना उनका रिलीजन स्टार्ट कहां हुआ था या पूरे दुनिया में कहां से गया। तो वी हैव ट्रेडिशनल लिंक्स विद अफगानिस्तान और आज भी वहां मिल रही हैं, राइट। आप लोगों ने आके तोड़ने की जरूर कोशिश की, वो तो बामियान तो तोड़ ही दिए ना। तो अब जहां तक बात यह कि आज भी हमारे रिलेशंस हैं, आज भी हम वहां पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, डैम हमने बनवाया है वहां पे, वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमारी बनाई हुई है, राइट। तो हमारे अगर उनसे रिलेशंस हैं तो हम उस रिलेशंस को रखेंगे, पाकिस्तान हमें नहीं बताएगा हमें किससे रखना है किससे नहीं रखना। देन कमिंग टू द पॉइंट, अब ये करंट वाले आंसर्स जो इन्होंने सवाल उठाए, मैं चुपचाप लिख रहा था आराम से, बहुत बढ़िया सुन रहा था, चुपचाप लिख रहा था। अब कश्मीर में क्या हो रहा है जनाब, कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंडा कुछ भी हो, मैं आपको कम से कम अभी हाल में 2 महीने पहले 500 कश्मीरी लड़कों ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, इंडियन सिविल सर्विसेज में है ये मैं मान लूं, वो जो जो कश्मीरी टेररिस्ट है जिसको आप 10,000 1 लाख देके, आप तो अपने कंट्री के ही लोग ना, मतलब अजमल का साहब अपने कंट्री के ही लोग 1-1 लाख देकर के भेज देते हो, अभी 50,000 देकर के भेजा था एक को तो अरेस्ट ही हो गया, तो आप कश्मीरी को क्यों नहीं दे सकते। तो ये वो आपके वो जो 50,000 लेने वाले जो टेररिस्ट हैं उनको अगर आप कैश करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ये दिखाना चाहते हैं कि वो असली कश्मीरी आवाज है, तो बुरहान वानी ट्रेन चला सकते हैं, लेकिन बुरहान वानी के पढ़े लिखे बाप को नहीं रोक सकते जिसने इस बार इंडिपेंडेंस डे पे इंडिया का तिरंगा फहराया, इंडिया का नेशनल एंथम गाया और ये भी बोला कि बच्चों को, नेक्स्ट जनरेशन को वो नसीहत देंगे कि वो पढ़े लिखे और कंट्री की सर्विस में आए।